यह बीमार मानसिकता का परिचायक है, जिसे मठ चलाने नहीं आया वह देश और राज्य चलाने बैठा है। ऐसे अजय सिंह बिष्ट से, जिसको पता ही नहीं कि आज़ादी लफ्ज की मानी क्या है, उसे आज़ादी लफ्ज के इस्तेमाल पर कहता है राजद्रोह लगाएंगे, बदला लो। अरे वो वही व्यक्ति है जिसको मुख्यमंत्री की कुर्सी केवल इस बिसात पे मिली थी कि वह उत्तर प्रदेश का ऐसा नेता था जो सबसे ज्यादा जहरीला नफरत भरा भाषण देना। आज भारत की जनता सड़कों पर है और आजाद भारत में ऐसा दृश्य बहुत कम देखने को मिला, जब हर जाति, हर समुदाय, हर प्रदेश और हर रंग के लोग डेमोक्रेसी की चिंता करते हुए सड़क पर हैं। लेकिन सरकार जो बैठी है उसे इसकी चिंता नहीं है। तो इससे आप बिल्कुल बता सकते हैं कि जब सड़कें इस तरह से आवाज़ उठा रही हैं तो ये सीधा सा संदेश है ये तानाशाहों को कि आप केवल भारत के सेकुलरिज्म को खतरे में डाल करके नफरत की सियासत से अपनी कुर्सी बचाने का काम नहीं कर रहे, आप इस देश के लोकतंत्र की जो गहरी बुनियादें थीं उनको खोखला कर रहे हैं। और इसका परिणाम ही ये है कि इस तरह के सर्वे सीधे सीधे वो बात कह रहे हैं, क्योंकि आप जो इस देश की हालत है उसे गोदी मीडिया तो दिखाएगा नहीं। मीडिया उन्हीं कॉरपोरेट घरानों के हाथ में खेल रहा है जिन्होंने इन तानाशाहों की सरकारें बनाई। तो वो मीडिया अपना काम कर रहा है कि आम जनता को सच और हकीकत से दूर रखा जाए, उसमें वो मीडिया सफल है। मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे हम लोग मनो स्ट्रीम मीडिया भी कहते हैं, तो वो मीडिया अपना काम बखूबी कर रहा है। आरएसएस की इंडेक्स सही नहीं हो सकता, देखिए वही तो मैं कह रहा हूँ, आरएसएस अपना काम बिल्कुल उचित ढंग से कर रहा है। तो अब ऐसे में जो सच है वो सत्ता का सच वह है जो सत्ता बोल रही है, और जिस सच को आम जनता तक ले जाने के लिए अरबों रुपए खर्च करके पूरा कैबिनेट, पूरा कैडर उतार करके सीएए के पक्ष में माहौल बनाने के लिए जा रही है। ऐसा कभी दुनिया में नहीं हुआ, देश की बात छोड़िए। तो ऐसे में जो सच हकीकत में लोकतंत्र के पक्ष वाला है वो जनता के पास है। लोहिया जी कहा करते थे कि जब सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती और जिंदा कौमें 5 साल इंतज़ार नहीं करती। तो ऐसे परिदृश्य में सीधे तौर पे दिख रहा है लोकतंत्र पर इससे बड़ा खतरा कभी नहीं था, लेकिन इस सच को तानाशाहों की सरकारें कबूल नहीं करेंगी। तो जो भरोसेमंद न्यूज़ पोर्टल हैं वो दिखा रहे हैं, गरीबी में आप, भुखमरी में आप, कुपोषण में आप सबसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपका इंडेक्स बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ अशिक्षा में आप इतना नीचे जा रहे हैं कि आपके विश्वविद्यालय दुनिया के रैंकिंग में नहीं है। बेरोजगारी में अब किसानों की आत्महत्या दर से ज़्यादा बेरोजगारों की आत्महत्या दर हो गई, जीडीपी अपने न्यूनतम स्तर पे आ गई है, अर्थव्यवस्था में जो मंदी की हालत है वो एकदम साफ जाहिर है। तो यह सच तो जनता का है, आम आवाम का है, लोकतंत्र का असली चेहरा है, जिसे मीडिया नहीं दिखाएगी और यह सत्ता इसे कभी कबूल नहीं करेगी। सर, आपने सीए की बात करी, लेकिन योगी जी का एक बयान आता है अपनी सभा में, कहते हैं कि इन्होंने जो लोग हैं इन्होंने अपनी महिलाओं को आगे कर दिया, उन्हें सड़क पर छोड़ दिया ले लेके कंबल रजाई, और खुद आप रजाई में बैठे हुए हैं, तो कैसे देखते हैं इस बात? देखिए, भारत जैसे देश में लैंगिक तौर पे, जातिगत तौर पे और तमाम इस तरह के पहचानों के आधार पे एक बेहद बीमार मानसिकता सदियों से चली आ रही है। वो महिलाओं के दमन के इतिहास से लबरेज है, वो जातिगत दमन के आधार पर रही है। वही दोनों तीनों चीज़ें आज सामने दिख रही हैं। तो कैसे तो योगी बीमार हैं? मैं उन्हें उस बीमारी का शिकार मानता हूँ जिस बीमारी का शिकार भारतीय मानस रहा है, जो सत्ता चलाता रहा है, जो घोर महिला विरोधी, घोर बहुजन विरोधी, गरीब विरोधी, कमज़ोर विरोधी, कामगार विरोधी रहा है। तो आज पहली बार इस देश में हो रहा है, आमतौर पर पुरुष आंदोलनों में शरीक हुआ करते थे, महिलाएं बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के मोटिवेशन के, बिना किसी लीडरशिप के, वो लोकतंत्र को बचाने, संविधान को बचाने, अपने इस देश को बचाने के लिए, और जाके देखिए उनकी तस्वीरों पे कौन है, सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख, और वो अपने जुनून से सड़क पर है। उनका यह भद्दा मजाक
यह बीमार मानसिकता का परिचायक है, जिसे मठ चलाने नहीं आया वह देश और राज्य चलाने बैठा है। ऐसे अजय सिंह बिष्ट से जिसको पता ही नहीं कि आज़ादी लफ्ज़ की मानी क्या है, उसे आज़ादी लफ्ज़ के इस्तेमाल पर कहता है राजद्रोह लगाएंगे, बदला लो। अरे वो वही व्यक्ति है जिसको मुख्यमंत्री की कुर्सी केवल इस बिसात पे मिली थी कि वह उत्तर प्रदेश का ऐसा नेता था जो सबसे ज़्यादा जहरीला नफरत भरा भाषण देना, यही उसकी यूएसपी रही है। सर आप नफरत भरे भाषणों की बात कर रहे हैं, तो एक कपिल मिश्रा हैं बीजेपी से प्रत्याशी हैं एमएलए के लिए, उन्होंने कहा कि अब दिल्ली में मिनी पाकिस्तान बन रहे हैं, जगह जगह शाहीन बाग हो गया या फिर जितने भी बन रहे हैं ये वहाँ पर इंद्रलोक हो गया। ये देखिए सीधा सा जो परिदृश्य है वो साफ है, होड़ लगी है, दो दो तरफा होड़ है, वैचारिक होड़ है। एक तरफ सड़कों पर लड़ रहे लोग संविधान को बचाने की होड़ में लगे हैं और दूसरी तरफ नफरत की सियासत की होड़ लगी है और उनके आका आरएसएस के लोग हैं, उनके सामने अपनी स्वामी भक्ति जाहिर करके यह साबित करने की होड़ लगी है कि उनसे ज़्यादा नफरत हम बोल सकते हैं, तो वो नफरत की आग हर तरफ लगी हुई है। तो ये लोग अपनी यूएसपी बनाने के लिए, जैसे उनको पता है ना कि गिरिराज सिंह की यूएसपी क्या थी, उनको मिनिस्टर बनाया गया, उनको इतना बड़ा पद दिया गया क्योंकि पहली बार उन्होंने मुखर होके बोला कि जो मोदी विरोधी है वो पाकिस्तान चला जाए, घर घर ये नफरत पहुंच गई। उसी तरह से योगी आदित्यनाथ की यूएसपी क्या थी कि अजय सिंह बिष्ट की कि हम बलात्कार करेंगे, वो एक मुस्लिम अगर एक महिला का बलात्कार करते हैं तो कब्र से निकाल करके बलात्कार, इसको अवार्ड किया गया आरएसएस के द्वारा। तो ये कपिल मिश्रा जैसे लोग जिनकी कोई वैचारिक स्पष्टता नहीं है, तो ये उस नफरत की सियासत में होड़ लगा रहे हैं कि हम ज़्यादा बड़े आरएसएस के पैरोकार हैं। तो इस देश को अब सोचना होगा। इस समय खूबसूरती यह है कि देश की सड़कों पर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीरें, संविधान की प्रतियां और तिरंगा, यह कॉमन चीज़ है जो देश को मजबूत करने के लिए हर पोशाक हर लिबास के लोग सड़कों पर बैठे हैं। सर मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, आपने कहा कि संविधान खतरे में है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बीजेपी सरकार है वो कह रही है हम संविधान के दायरे में रहकर तो सारे काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि संविधान के दायरे से बाहर होकर लोग काम कर रहे हैं। कश्मीर में 370 के प्रावधान के बाद जो कुछ हो रहा है क्या वो संविधान के दायरे में है? जितने अपराध बढ़ते जा रहे हैं, पुलिस फेक इनकाउंटर कर रही है, मोदी और अमित शाह और योगी आदित्यनाथ यानी अजय सिंह बिष्ट के ऊपर से जितने मुकदमे हटाए गए, ये सब संविधान सम्मत है क्या? 10% आरक्षण देना संविधान सम्मत था क्या? तमाम ऐसे प्रावधान ले आ रहे हैं, जब आपकी आरबीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, तमाम संस्थान भीतर से कह रहे हैं कि संविधान को कुचला जा रहा है, क्या कोई एक पार्टी एक दल कह रहा है क्या? तो ये सब एक आवाज़ में कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। तो क्या संविधान, वह कौन सा संविधान है जिसकी परिभाषा केवल आरएसएस और बीजेपी जानती है, जिसके मुताबिक वो देश चलाने की बात कर रहे हैं? संविधान की मूल भावना कहती है कि नागरिकता धर्म के आधार पर नहीं दी जा सकती, उसके बिसात पर पूरा देश सड़कों पर है। तो ये आरएसएस का संविधान कोई और है क्या? अगर ये संविधान भारत का संविधान है तो इतने बड़े आवाम के में, इतनी बड़ी तादाद में लोग जो सड़कों पर हैं, ये किस संविधान की बात कर रहे हैं? इसलिए हम आरएसएस और बीजेपी पर कोई भरोसा नहीं करते। ये अपनी कुर्सी के लिए मोदी और अमित शाह, चंद सवाल देखिए, मीडिया भी सवाल पूछना भूल गई है, आदर्श गांव लिया था ना सांसदों ने कि 5 साल में वो बड़े हो जाएंगे, कहाँ गए आदर्श गांव? स्मार्ट सिटी, स्मार्ट गांव, बुलेट ट्रेन, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, उसके बाद फिर जो है 15 लाख हर बैंक अकाउंट में, 2 करोड़ रोजगार, ओवरऑल विश्व गुरु देश अच्छे दिन, सारी बहस को डिरेल कर दिया। यह आरएसएस की सफलता है, यह बीजेपी की सफलता है, अपनी नाकामियों को छिपाने में वो सफल होती जा रही है। पहले वो पाकिस्तान के नाम पर बांटती थी, अब कि उन्होंने ऐसा एक नफरत का जाल फेंका है कि जिसके खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा, वरना संविधान की मूल भावना अगर मर गई तो इस देश को इतना गहरा आघात पहुंचेगा कि सत्ता बेशक 24 में या 29 में बदल जाए, लेकिन यह देश बहुत गहरे चला जाएगा जिससे उबारने में
शायद हमारे तमाम पुरोधाओं के फल जाया हो जाएंगे और बहुत मुश्किल होगी कि देश फिर वापस खड़ा होगा। ठीक है, चले जाएंगे।